सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि रेलगाड़ी आपके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। कुछ क्षणों बाद तो अपना बैग लेकर तैयार रहें और अपने अपने डिब्बे में बैठ जाकर क्या अपने स्थान पर पहुंच जाएं। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करते अच्छे होंगे। आप लोग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे और आप लोग साइंस की ऐसी क्लास ढूंढ रहे होंगे, आप लोग साइंस के वह प्रश्न पढ़ना चाहते होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हों और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग RPF कॉन्स्टेबल, SI और NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि हम आपको इस क्लास के माध्यम से साइंस के वह प्रश्न कराने जा रहे हैं। क्या साइंस के हम वह प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपके क्या एग्जाम में पूछे गए हैं और आप एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए क्या साइंस के हम इसमें समथिंग आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन कराएंगे, सारे वही प्रश्न कराएंगे जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए। तो क्लास को स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से ही कहना चाहते हैं, अगर आप क्लास पसंद आती है और आपको लगता है आप लिए मेहनत कर रहे हैं तो क्लास को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी किया करो। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारी पहली क्लास है, यानी आपका डे वन है, आज से स्टार्ट हो गए। नहीं, डे वन हमारा डे वन पहला है, इसी तरह आपको डे टू में हम आपको दूसरी क्लास लेके आएंगे। तो बस आप लोगों से क्या आपका सपोर्ट और क्या है आपके प्यार की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा क्लास को शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है और आप सभी लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। जैसे आपके प्रश्न में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, ऑप्शन में दे रखा होगा, आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे इस प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार के दे रखा होगा, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, तो वहाँ पर आपको लगाना आंवला है। विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन सा है? आंवला। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर गिवन है और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव शरीर के जो गुर्दे होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है। देखिए, जो मानव शरीर में जो दो गुर्दे होते हैं, तो गुर्दों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे सर कि मानव शरीर में गुर्दों की संख्या कितनी होती है, आप कहोगे सर दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, जो मानव शरीर के जो दो गुर्दे होते हैं, क्या इस प्रकार के दो गुर्दे होते हैं, इनकी जो कार्य क्या होता है, जो शरीर के बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना, क्या शरीर में जो हमारे क्या है, जो मानव के शरीर में जो बेकार द्रव्य पड़ जाते हैं उनको क्या बाहर निकालने का है, गुर्दों का काम रहता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसकी कमी से रतौंधी होती है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और ये आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। जैसे किसकी कमी से रतौंधी होती है, यानी आपको बताना है कि किसकी कमी से रतौंधी होती है। जैसे कि नाइट होने, जैसे नाइट होती है मतलब रात हो जाती है, तो क्या दिखता नहीं, मतलब थोड़ा अंधेरा से उसको दिखाई देगा, क्या विटामिन ए की कमी हो जाएगी जिस मानव के शरीर में, तो उसे क्या रतौंधी रोग हो जाएगा। अगर आपके क्या है गाँव में से बोलते हैं रतौंधी हो रही, तो उससे कहना कि आपको विटामिन ए की कमी हो रही है, ठीक है? उसको विटामिन ए के स्रोत बता देना कि ये तुम खाओ, इससे तुम्हारी कमी पूरी हो जाएगी और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि देखिए, अगर आपसे मैं यहाँ पर बात करें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लोग कहोगे सर विटामिन ए का जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है हमारा रेटिनॉल। क्या होता है? आप कहोगे सर ये होता है हमारा रेटिनॉल। होता है क्या? होता है रेटिनॉल। होता है क्या? होता है रेटिनॉल। होता है यानी किस याद करेंगे, तो आपको याद रखना है सिर्फ इस ट्रिक के द्वारा, आप इसको याद रख सकते हो। किस ट्रिक के द्वारा? ट्रिक याद रखेंगे आप, क्या रत एक ट्रॉफी, क्या रत एक ट्रॉफी, इसको आप लोग याद करेंगे आसान तरीके, इसको आप जीवन भर और जिंदगी भर याद कर सकते हो। आज से क्या हो जाएगा, तो रात से हो जाएगा आपका रेटिनॉल। क्या हो जाएगा दोस्त? रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आप कहोगे सर रेटिनॉल हो गया, और था से क्या हो जाएगा, था से हो जाएगा आपका थायमिन। क्या हो जाएगा? था से होगा थायमिन। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है। इसे क्या हो जाएगा? इसे हो जाएगा आपका स्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ये होता है हमारा किसका, तो आप कहोगे सर, आप कहोगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का नाम होता है आपका स्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए दोस्त देखिए, अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है और आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है, राइबोसोम पादम का भूमिगत
प्रारूप है। प्रारूप का मतलब होता है कहाँ से हमको प्राप्त होता है, ये हमसे हमको भी तना से प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा राइबो जो पादम है हमको कहाँ से भूमिगत के तना से प्राप्त होता है। कहाँ से, देखिए प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको समझ में आ रही है दोस्त, क्या आपको समझ में आ रही है? बस आप लोग बने रहिए, क्लास में आपको सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे। देखिए बात यहाँ पर हो रही है कि राइबोसोम पादम का जो भूमिगत प्रारूप है कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमको तना से प्राप्त, कहाँ से ये हमको जो कहाँ से जो पौधा होता है उसके तने से प्राप्त होता है भूमिगत में पाया जाता है। तो भूमिगत का मतलब भूमि में धंसा होता है। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर है, क्लियर में आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने क्या है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसने किया था? बात करते हैं दोस्त कि जो चेचक का टीका लगता है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था, आप कहो इसका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने क्या है, चेचक के टीके का खोज किया था। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर है, क्लियर हुआ। चलिए भाई अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे लंबी अस्थि, आपको बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। ये होती है जो मानव शरीर की जो लांग, मतलब क्या होती है इसको, जांग, जांग यानी कि इसको बोला जाता है फीमर। क्या बोला जाता है इसे? फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। और इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, हम अपनी भाषा में बोलते हैं जांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांग। तो देखिए सबसे अस्थि मतलब क्या, सबसे लंबी हड्डी कौन सी, आप कहोगे शरीर होती है जांग की। कहाँ से? जांग की होती है। तो आप कहोगे सर मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी, जांग हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर हो गया सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। प्रश्न आपसे तरह पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है। ये होती है जबड़ों की हड्डी के, जो हमारे जबड़े होते हैं ना, क्या जो हमारे जबड़े होते हैं, जबड़ों की सबसे जो हड्डी है मजबूत माना जाए। मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मानी जाती है, ये मानी जाती है जबड़े की हड्डी। कौन सी? जबड़े की हड्डी मानी जाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर गिवन है और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हृदय एक मिनट में धड़कता है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय है जो मानव का हृदय होता है, क्या आपने देखा होगा हृदय तो सभी के अंदर है। हाँ सर हृदय, अगर हृदय बंद हो जाएगा तो हमारा धड़कना बंद हो जाएगा, हमारे का जीवन भी वहीं से खत्म हो जाएगा। यानी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव का हृदय होता है, क्या जो मानव का हृदय होता है एक मिनट में कितनी बार, तो एक मिनट में मानव का हृदय 72 बार धड़कता है। क्या एक मिनट में हमारा हृदय है जो कहते 72 बार धड़क जाता है, क्या हो जाएगा 72 बार धड़कते हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हृदय एक मिनट में धड़कता है 72 बार। अगर देखिए हृदय हमारा धड़कना बंद हो जाएगा तो हमारा वहीं पर जीवन खत्म हो जाएगा, फिर हमको किसी चीज़ की टाइम हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब खत्म हो गए, तो ऐसे हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, खून का रंग लाल होता है, आपको बताना है और एग्जामिनर आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि बताइए खून का जो रंग होता है, मतलब जो खून का रंग लाल होता है, मतलब आपको बताएं जो खून का रंग है। देखिए आपने देखा होगा, अगर आपसे कोई आम आदमी या आपकी माताजी या आपके दादाजी पूछते हैं बताइए बेटे जो हमारा खून होता है, क्या खून होता है ये लाल क्यों होता है, क्या खून है जो हमारा लाल क्यों होता है, तो आप वहाँ पर क्या कहोगे, तो आप कहोगे दादाजी ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो आप उनको कहना कि जो हमारा खून का रंग जो लाल होता है, क्या जो खून का रंग हमारा लाल होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, क्या है हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है, आपको बताना है कि जो हीमोग्लोबिन है यौगिक है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन का यौगिक है। किसका? हीमोग्लोबिन है जो प्रोटीन का यौगिक है। किसका? तो हीमोग्लोबिन है जो प्रोटीन का यौगिक है। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लाल रक्त की कणिकाओं का जीवन काल है, आपको बताना है कि लाल रक्त की कणिकाओं का जीवन काल है, तो लाल रक्त के जीवन मतलब जो लाल रक्त की कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल कितना है, इनकी अवधि कितनी है, जीने की अवधि कितनी है, इनकी जीवन की अवधि 120। क्या 120 दिन में क्या जो हमारे लाल रक्त की कणिकाओं का जीवन काल खत्म हो जाता है, लाल रक्त की कणिकाओं का जीवन काल कितना, 120 दिन। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रुधिर को थक्का जमने से सहायक, आपको बताएं जो रुधिर का थक्का जमता है किसके कारण, कौन सी विटामिन, ये विटामिन के ही कार्ड के सहायक की कार्ड के जो हमारा खून का थक्का जमता है, किसके, विटामिन के कार्ड। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर है।
अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए रुधिर का तैल भाग, मतलब रुधिर का तैल भाग कहाँ पर होते हैं, प्लाज्मा कहा जाता है, कहता है प्लाज्मा कहा जाता है। क्लियर है आपका उसे? क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है रक्त समूह में सर्पदाता किसे कहा जाता है। देखिए, जो मानव शरीर में आपको पता है कि एक ए ग्रुप होता है, एक बी ग्रुप होता है, ठीक है, क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी ग्रुप होता है और ओ ग्रुप होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति में ए ग्रुप होता है, किसी में बी ग्रुप होता है, किसी में दोनों होता है, और ओ क्या होता है दोस्त, ओ किसी में भी ओ होता है। ओ क्या होता है, सभी को दाता होता है, जो ओ जिसका ओ ग्रुप होगा जिस व्यक्ति को, वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, दोनों को भी दे सकता है। क्लियर है आप कहोगे सर, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त समूह में सैपदाता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रक्त, मतलब रक्त समूह ओ वालों को सैपदाता कहा जाता है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का रक्त समूह ओ होगा उसे क्या है, सभीों का राजा कहा जाता है, मतलब सभी को दान कह सकता है। क्लियर है आप कहोगे सर, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त समूह में सर्पग्राही किसे कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रक्त समूह में सर्पग्राही किसे कहा जाता है, ठीक है। सर्पग्राही का मतलब होता है कौन सा, जो हमारा रक्त समूह है जो कि सर्पग्राही, मतलब सर्पग्राही मतलब सबका घर कह सकता है, ए का भी कह सकता है, बी का भी कह सकता है, ओ का भी, कौन, ए ग्रुप, ए और बी, जिसका ए और बी, जिस व्यक्ति का ए और बी ग्रुप होगा वो क्या है, सभी का क्या है, रक्त सभी से ले सकता है। क्लियर हो, जिसका ओ होगा वो सभी को दे सकता है, क्या जो सभी को दे सकता है। जिस प्रकार देखिए, कोई भिखारी है यानी आपको कोई राजा होता है तो क्या है, अपने जो राजा अपने प्रजा में बांटता है अपना धन, इसी प्रकार यहाँ पर कोई राजा किसी ओ को माना जाता है, ये अपना सभी में बांटता है, ठीक है। क्लियर है आपका वो सर, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है। अगला प्रश्न देखिए भाई, देखिए भाई अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है और आप सभी लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर देखते रहेंगे सभी मित्र। प्रश्न कह रहा है कि पित्त उत्पन्न होता है, प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो पित्त है उत्पन्न होता है, तो पित्त उत्पन्न होता है इकृत में, कहाँ से उत्पन्न होता है, तो जो हमारा पित्त है कहाँ से उत्पन्न होता है, जो पित्त रस होता है कहाँ से, तो हमारे इकृत में से उत्पन्न होता है। क्लियर है, चलिए सर क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये होता है 180 क्या 120 अपॉन 80 होता है, कितना होता है 120 बटे 80 क्या है, मनुष्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है 120 बटे 80 क्या है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। क्लियर है आप कहोगे सर, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कहता है। देखिए, जो हमारा रक्त होता है इसको, जो हमारा अशुद्ध पदार्थ मतलब जिसमें अशुद्ध पदार्थ चले जाते हैं इसको कौन अलग कहता है, तो ये काम होता है बैक्टीरिया, इसे कैसे कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं किडनी, क्या कहते हैं, किडनी कहा जाता है। आपने देखा होगा किस प्रकार की, देखिए मानव शरीर में दो किडनी लगे होते हैं, कितने लगे होते हैं आपको, जो दो किडनी लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो रक्त में अशुद्धि होती है उनको क्या है, शुद्ध करना, रक्त को क्या है, शुद्ध करना काम होता है। क्लियर है आप कहोगे सर, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की सबसे कोशिका कौन सी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ये कौन सी है, तो हमारी तंत्रिका तंत्र है, क्या शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है हमारी तंत्रिका तंत्र, कौन सी, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। क्लियर है आप कहोगे सर, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाइड्रोफोमिया संबंध, आपको बताना जो हाइड्रोफोमिया है किससे संबंधित है, तो हाइड्रोफोमिया संबंधित है कुत्ते की काटने से, किस संबंधित है, हाइड्रोफोमिया संबंधित है कुत्ते के काटने, किससे, हाइड्रोफोमिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। क्लियर है आपको उस, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी संबंध, आपको बताना है बायोलॉजी संबंधित, तो बायोलॉजी हमारे विषाणुओं के अध्ययन से, विषाणुओं के अंदर किसे कहा जाता है, तो ये बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्लियर है आप कहोगे सर, क्लियर। तो बायोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो विषाणुओं के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर आप कहोगे सर, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि खून का थक्का नहीं जमाता, आपको बताना है खून का थक्का कौन जमाता है, विटामिन के है जो क्या है खून का थक्का जमाता है, कौन नहीं जमाता है, यह क्या है, तो हीमोफीलिया रोग है जो क्या है, हीमोफीलिया रोग से क्या है खून का थक्का नहीं जमता, क्या हीमोफीलिया रोग से खून का थक्का नहीं जमता। क्लियर है सर, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा संबंध, ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा संबंध आंखों से संबंधित, किससे, आंखों से संबंधित। क्लियर है सर, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती,
आपको बताना है कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, क्या इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें होती है? तो लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? पालक के पत्तों में होती है। देखिए जो व्यक्ति क्या पालक खाता है, क्या जो पालक खाता है पालक के पत्ते खाता है, उसके शरीर में क्या थोड़ी लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, क्या उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। इसीलिए क्या है अभी आप लोग क्या है गर्मी आ रही है, गर्मी का सीजन चलने वाला, अप्रैल शुरू हो गई, हाँ सर होने वाली कुछ दिनों बाद, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे ज़्यादा क्या पालक की सब्जी खाएंगे, जिससे क्या हमारे अंदर थोड़ी क्या खून की कमी नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, जब स्वास्थ्य सही रहेगा तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे कप्तानों, आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से आप अगर RPF क्या है RPF कॉन्स्टेबल या RPF SI या आप NTPC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों की क्लास हर एग्ज़ाम के लिए क्या आपके लिए उपयोगी है। तो आप लोगों के लिए हमने साइंस के प्रिपरेशन कराए थे, वही हमारा डे वन है और हमारी प्रैक्टिस सेट क्या है साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट, इसी तरह हम आपको क्या है डे बाय डे आपको लेके आ रहे हैं। तो बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट निवेदन है कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हम लोग क्या अपनी तरफ से उतना ही अपोर्ट लगाएं, उतना ही आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आएंगे। तो बस इतना ही किया करो कि दोस्तों के पास शेयर किया करो, और अगर क्लास के बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहती है तो क्लास खत्म होने के बाद क्लास आप पूरा देख लिया करो, उसके बाद आप कमेंट जरूर किया करो क्लास के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, हर चीज़ के बारे में बताया करो। मिलते फिर कल की नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।